करो अवधूतजंतन श्री गुरुदेवदत्त सद्गुरु स्वामी महाराज की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः संसार सारदग्धानां चैतन्यामृतदायक पूर्णकामो वामनः सश्रीगुरु शरणं मम आक्रांतासु वसुंधरासु यवनै रासे तु हेमाचलम् विद्रावहा क्षितिवदगणे विकरणे निद्राचि नारायणे निर्विघ्न प्रसरे बलान् निष्कंटकम् वैदिकम् पंथानम् परिरक्षितुम् समुदितः श्री वासुदेवो मुनिः श्री गुरुदेव दत्त गुरु महाराजांचा आपणा सर्वांची मी थोडीशी क्षमा मागतो. स्वामी महाराज या ठिकाणी हिंदी विज्ञ आहेत म्हणून हिंदीमध्ये बोलावं असं मगाशी त्यांनी सांगितलं होतं. आपणाला चालेल का? मला वाटतं बहुतेक फारसा फरक नाही. आपणा सर्वांचं फार मोठं महद्भाग्य आहे. गुरु महाराजांचा आणि परमहंस परिव्राजक आचार्य विष्णुतीर्थ स्वामी महाराजांचा हा फार अनन्यसाधारण अशा प्रकारचा लोभ आणि प्रेम आणि एकमेकाच्या विषयीचा आदरभाव होता. वासुदेव निवासमध्ये खालच्या सभामंडपामध्ये हत्तीवरती बसलेली गुरु महाराजांची मूर्ती आपण सर्वांनी पाहिलेली आहे आणि त्याच्या शेजारी जे बसलेले आहेत ते विष्णुतीर्थजी स्वामी महाराज. त्यांनी जो आश्रम स्थापन केला तो श्री क्षेत्र देवास. या देवासचे नंतर शिवमतीर्थ स्वामी महाराज आणि त्यांच्यानंतर सुरेशानंद तीर्थ स्वामी महाराज हे आत्ता पीठाधीश आहेत. ही प्रथमतः मराठीमध्ये मी तुम्हाला ओळख करून दिली. अपना इतना परमभाग्य है कि अपने ही परंपरा के एक महानुभाव यहां उपस्थित हैं. आप सबको साधन की महत्ता और आशीर्वाद देने के लिए जो यहां पधारे हैं उसका जो आनंद आपको तो मेरे तो होता ही है, लेकिन आज आनंद जो मिल रहा है तो गुरु महाराज को मिल रहा है, क्योंकि मेरे जो परम गुरु परमहंस परिव्राजक आचार्य लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज उसकी परंपरा से अपने प्रति आस्थाभाव रखने वाले यहां एक महानुभाव उपस्थित हैं, ऐसा मेरा एक विचार यहां मैं प्रकटित करता हूं. स्वामी जी, बीच में आप गत वर्ष यहां आए थे और वासुदेव निवास में आपके साथ जो साधन हुआ था, साधन के बारे में जो आपने जो विचार प्रदर्शित किया तो हमें इतना आनंद लगा
कि साक्षात स्वयं गुरुदेव ही हमें साधन के बारे में जो नियमता और उसकी महत्ता जो बताते हैं, वैसी हमारी एक धारणा है कि साक्षात हमारे हम सबको आप ही गुरुदेव की, यानी गुरुदेव ही आपकी मुख से हमें आशीर्वाद देते आ रहे हैं। आज जो स्मृति सभा, इसका आयोजन जो किया है, स्मृति सभा का एक अर्थ ऐसा होता है, जो गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव के शिष्य न होते हुए भी जिसको गुरु महाराज ने उनके प्रति जो एक अनुभव दिया, वो अनुभव यहाँ आकर अभी दो चार लोगों ने, यानी यहाँ देवीदास जी ने भी बताया, और वो जो हवनुर से आए थे वो भाभा में इंजीनियर थे, उन्होंने ही अपना अनुभव बताया है। ऐसा उनका स्मरण करने का एक प्रघात स्मृति सभा में होता है। गुरु महाराज की महत्ता हमें क्या वर्णन करनी है, वो तो उसमें भाषा में शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूं, मेरी उम्र जब 11 साल थी, गुरु महाराज जी हमारे क्षेत्र में आए थे, वार्षिक क्षेत्र में, सोलापुर जिला में वो गांव है, हमारे ही घर में उनका निवास था 1963 में 11 जुलाई, और उसी तरह हम 8 लोग थे, वो दो धर्माधिकारी थे, दो जोशी थे, अन्य एक भगिनी थी, ऐसे 8 लोगों को गुरु महाराज ने बताया आज बैठ जाओ बोले, और उस समय उन्होंने स्पर्श दीक्षा दी। आज ही मेरे को स्मरण आता है कि महाराज जी बैठे हैं हमारे सामने, उनका संध्या वगैरह कर्म चल रहा था, 5 मिनट के बाद गुरु महाराज उठे और 2 ऐसे रो में हम बैठे थे, महाराज जी चलते 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 हमारे मस्तक पर उन्होंने वो जो स्पर्श किया, उसका आनंद आज भी मिल रहा है। ऐसी एक याद मुझे आती है, जब मैं क्षेत्र देवास में आया था, शिवमती से स्वामी जी सुबह 5 बजे सामुदायिक साधन लेते थे, तो वो 1978 की बात है, तब शिवम तीर्थ भी स्वामी जी भी ऐसे सामूहिक साधन में घूमते थे, और जो साधक हैं उनके मस्तक के ऊपर स्पर्श करते थे। ऐसा मेरे को मेरे 11वें साल में मेरे को गुरु महाराज जी ने एक शक्तिपात की दीक्षा दी, मैं धन्य और मैं भाग्यशाली समझता हूँ। उसके बाद वो आगे के जो उत्तराधिकारी ब्रह्मश्री दत्त महाराज कविश्वर, तो उनकी ससुराल वहाँ वार्षिक ही थी, या हमेशा उनका आना जाना था, कई साल गुजर गए, महाराज जी जाने के बाद दत्त महाराज भी आए, और दत्त महाराज भी चलकर हमारे घर पर आए, हमारे पिताश्री दादा शास्त्री नाम के, उनके बड़े वो सहाध्यायी थे, और उन्होंने मेरे को मंत्र दीक्षा दी। फिर बाद में नारायण काका उत्तराधिकारी हो गए, और 1981 में नारायण काका का वो 75 उनकी उम्र थी, उसके बारे में हमने एक भगवंत मंदिर में उनका एक समारोह आयोजित किया था, उस समय महाराज जी ने, काका महाराज जी ने बोला कि भगवंत मंदिर में वो समारोह चल रहा था, मेरे को बुलाया आया, आप आ जाओ बोले, और आ जाने के बाद बैठ जाओ यहाँ, और मस्तक के ऊपर एक टोपी पहनो, मैंने काली टोपी, उन्होंने काली टोपी पहनने के लिए आज्ञा की, वहाँ से मैंने काली टोपी पहनी है, मैं पहले सफ़ेद टोपी पहनता था, देखो आज मैं तेरे को अधिकार दे रहा हूँ बोले, और साक्षात भगवान सामने हैं। ऐसे तीने महानुभाव तेने महापुरुष ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि उसके बारे में मेरे हृदय में जो आदर भाव जो है इतना गहरा है, इतना है कि मैं शब्द में वैसा उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। मैंने उसको, तीनों महात्माओं को मैंने हृदय में ही स्थापित कर दिया है, ये मेरी श्रद्धा है। आज भी तीनों ही महात्मा मेरे साथ हैं, और वही मेरे को, ये जो सब चल रहा है वासुदेव निवास का जो काम, वो मैं नहीं करता, वो तीनों ही चलाते हैं, यही आज मेरी धारणा है। ये आप समझेंगे, आप समझ लेंगे कि ये अपना मेरा जो
मुझे अभी तक मैंने जो बताया मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये कहने का इतना मतलब यही है। अभी देवीदास जी ने जो बताया, कल ही मैंने एक विचार आपके सामने सबके सामने रखा था, सुबह स्वामी जी के साथ मेरी बात हुई। देखो सज्जनों, गुरु तत्व एक है, उसे अलग नहीं करना चाहिए। अगर हम अलग करेंगे तो आपस में हमें प्रेम भाव नहीं रहेगा। इसलिए गुरु तत्व एक है और वही ईश्वरीय तत्व है। जो आजकल जो दीक्षा मिलती है, वहां कोई बैठा है वो व्यक्ति वहां दीक्षा नहीं देता, स्वयं गुरु महाराज ने ऐसा बताया है। गुरु तत्व एक है, वो सर्वव्यापी है और वासुदेव सर्वम उसे ऐसे कहलाते हैं। 1965 की बात है जब वासुदेव निवास का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद जो अभी सभा मंडप है नीचे, उत्तराभिमुख गुरु महाराज जी बैठे थे तो सभी शिष्य उनके पास बैठे थे। उन्होंने बसा या निर्माण हुआ है उसका नाम क्या रखेंगे, तो बोले गुरु महाराज ने आंखें बंद कर दी, भगवान के सामने देखा और गुरु महाराज ने बताया इसका नाम श्री वासुदेव निवास रखो बोले, इसलिए उसका नाम वासुदेव निवास हो गया। वही एक बुजुर्ग थे, एक बड़े शिष्य थे, महाराज जी आपने तो वासुदेव निवास रखा है लेकिन आपके जो गुरु हैं वो अलग, लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, उनका नामाभिधान उसमें समाविष्ट नहीं है। एक शंका प्रस्थापित की गई, लेकिन महाराज जी ने जो बताया है वो उनके जीवन गंगा के जो ग्रंथ है उसमें ये प्रसंग वहां उट्टंकित किया है। महाराज जी ने बताया, देखो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन ईश्वरीय तत्व जो है तो एक है, गुरु तत्व एक है, वही वासुदेव है और वासुदेव सर्वम ऐसा गीता में उसका उल्लेख है। वासुदेव में सभी गुरु तत्व समा है, मेरे को उसके प्रति आदर है, वही लोकनाथ है, वही वासुदेवानंद है, वही गुरु तत्व है, सभी एक है, इसलिए उन्होंने बताया। उस शिष्य का बहुत समाधान हो गया। यानी गुरु महाराज जी की ये जो दोनों परंपरा, यानी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज और लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज यानी शक्तिपात की ये जो गंगा हमें जो मिली है, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। देखो सज्जनों, ऐसा एक महान महापुरुष, उसका ये आज स्मरण दिन है, जो दो प्रवाह एकत्रित करता है, ये सामान्य सामर्थ्य नहीं है। एक संप्रदाय रहता है, एक पंथ रहता है, लेकिन सभी पंथ उपपंथ संप्रदाय को एकत्रित करने वाला जो महायोग है, ये महायोग की परंपरा गुरु महाराज जी ने महाराष्ट्र में स्थापित की और वासुदेव निवास शक्तिपात योग का आद्य पीठ है। ये बड़ी हमें एक अच्छी तरह से ये पीठ मिला है। और दूसरा, वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज यानी दत्त संप्रदाय की एक परंपरा हमें जो मिली है वो गुरु महाराज जी ने, यानी दो संप्रदाय इकट्ठा करके सभी सामान्य जनों लोगों को आबाल वृद्ध के ऊपर उनकी जो एक कृपा जो है वो अनन्य साधारण नहीं अनन्य साधारण है। अगर कोई एक महात्मा होता है तो एक ही संप्रदाय चलाता है, लेकिन उनकी ताकत क्या है, देखो दो दो गुरुओं के साथ उन्होंने जो बताया वो संप्रदाय आज चलता आ रहा है। आज इतने बरस हो गए वो अच्छी तरह से सब चलता है, वही उनकी ही कृपा है, बस वही चलाते हैं ये आश्रम और ये दोनों परंपरा। उसके बाद जो दत्त महाराज आए, दत्त महाराज के ब्रह्मश्री दत्त महाराज के बारे में मैं एक बताना चाहता हूं। वो वाड़ी के थे, वाड़ी में 1937 में गुरु महाराज जब बारसी से पुणे आए, तो पुणे आने के बाद उन्होंने देखा वाड़ी जाते थे,
वाड़ी में एक बड़ा महात्मा है, वेदांती है, शास्त्रीय है, पंडित है, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आप वहां क्यों ठहरे हो, यहां आ जाओ, पुणे में आ जाओ, देखो बोले। और दत्त महाराज जी गुरुदेव के आज्ञा से पुणे में आए और उनका भी कार्य बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, वो तो वटवृक्ष हो गया। ऐसा ही महात्मा हमें वो दूसरा उत्तराधिकारी मिला। और नारायण काका महाराज जी का, जब दत्त महाराज जी ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की और उत्तराधिकारी बताया, और नारायण काका ने मुझे एक बात बताई थी, मैं आपके सामने कल भी रखी थी और मैं आज रखूंगा। नारायण काका बोले, मैं तो नासिक का था, बोले सारी उम्र मैं मेरी बंबई में गई, नासिक में गई, मैं व्यस्त रहा, अपने कर्मयोग में व्यस्त रहा, लेकिन जब मैं वासुदेव निवास का उत्तराधिकारी हुआ तो उसके बाद मेरे को इतना लिफ्ट मिला कि मैं आज सारे जगत में मेरा कार्य कर रहा हूं, ये गुरु महाराज जी ही कृपा है। ऐसा यानी कि दोनों ही महात्माओं का जो कार्य का चलता रहा, ये आज भी गुरु महाराज जी ही कार्य चलाते हैं। और एक आश्चर्यकारक, एक मैं आपको एक ऐसा अनुभव आपके सामने रखने वाला हूं, ये पुरानी नहीं है, 6 दिन की है। 6 दिन के एक फ्लोरिडा से एक युवती हमारी साइट देखी, तमले साम अपनी साइट से उन्होंने एक पहला एक मेल मेरे को भेजा कि मेरे को शक्तिपात के बारे में मैंने अभ्यास किया है, लेकिन पुणे में जो वासुदेव निवास है वहां से मेरे को कृपादान होगा क्या, दीक्षा, ऐसा शब्द उन्होंने लिख के मेरे को आश्चर्य हुआ। और जब वो वहां आई, उनको लेने के लिए लिमई जी गए थे, और वो एयरपोर्ट से एकदम वहां वासुदेव निवास में आए, मैंने बोला यहां तो दीक्षा का कार्य चलता है लेकिन गुरु महाराज जी चलाते हैं, ऐसा कैसा, देखो आप अनुभव ले लो, जाओ ऊपर जाके उनके सामने बैठ जाओ। और जब वो उनके सामने बैठ गई, बैठ जाने के बाद साक्षात याने 45 मिनट्स तक वो बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, और जब वो रोती रही, और जब वो बाहर आई, बाहर आने के बाद वो बोली, स्वामी जी कि वो बोली कि मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई एक ऐसा प्रवाह जो बाहर निकल रहा है, मेरे को आज तक उसकी जो शांतता नहीं मिली तो आज वासुदेव निवास में मिली। उस युवती ने बताया उसका अनुभव जो है। तो मैंने बोला, देखो बहन जी, आपके ऊपर गुरु महाराज ने ही कृपा की है, हमने नहीं की, ऐसा कैसा हुआ, तो गुरु तत्व एक है, वही ईश्वरीय तत्व है, हमें जो दीक्षा मिलती है वो परंपरा की दीक्षा है, परंपरा यानी ईश्वरी दीक्षा हमें मिलती है, आपके ऊपर ईश्वर भगवान ने ही कृपा कर दी है। और उसके बाद उन्होंने जो बताया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं जब 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष तक मेरे को ऐसा एक प्रतीत हुआ कि मैं कुछ अंदर से एक आनंद ले लूं, तब मैंने बहुत योग का अभ्यास किया, यानी 14 साल से वो अभी 37 के हैं, वो अभ्यास करती रही, षटचक्र का अभ्यास किया, योग का अभ्यास किया। जब उनके साथ हम बात करते थे तो ऐसा एक मराठी यानी भारतीय जैसा बोलता नहीं, लेकिन वो बोलती थी, और उन्होंने अपना जो अनुभव बताया कि मेरे को बहुत प्रकाश मिला, मेरे को आनंद मिला, मेरे को समाधान मिला, यानी आज तक भी गुरु महाराज जी का ही कार्य चलता आ रहा है। ये आपके सामने और स्वामी जी के साक्षी से मैं आपको बताने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है। अस्तु, ये कार्य की बात हुई, लेकिन आगे चल के आप सबको मैं विनंती करता हूं कि कोई मार्ग व्यक्ति सापेक्ष नहीं रहता, व्यक्ति साक्षी रख के हम साधन करेंगे, वो साधन परंपरा के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वरी दीक्षा मिली है हमने। ईश्वरी दीक्षा मिलने से अगर कोई व्यक्ति हमें सामने रख के हम साधन करेंगे तो हमारा साधन उस व्यक्ति के पास ही जाएगा, बराबर है ना स्वामी जी, तो आगे नहीं जाएगा। इसलिए व्यक्ति के ऊपर आप प्रेम रखो, व्यक्ति सापेक्षता है, वो प्रेम के बारे में है लेकिन साधन के बारे में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर ये गुरु तत्व एक करके हम साधन करेंगे तो ईश्वर तक
हमारा साधन जाएगा, हमारा समर्पण जाएगा और हमारी साधना उनकी तरफ जाएगी और हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इसलिए हमारा मार्ग, हमारे जो मिला, हमें जो दीक्षा मिली है, ईश्वरी दीक्षा है, परंपरा की दीक्षा है, यही हम ध्यान में रखने का है। देखो हम अभी बुजुर्ग बन गए, गुलवानी महाराज के मैं बताता रहूं तो गुलवानी महाराज के जो सारे शिष्य है ना यहाँ हैं बड़े, तो मैं उनके साथ बात करता हूं, देखो अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कैसे बोले? देखो बोले, मैं तो अजोबा हो गया, गुलवानी महाराज के जैसे सारे शिष्य जो हैं वो सभी ग्रैंडफादर हैं और ब्रह्मश्री दत्त महाराज के जो सारे शिष्य हैं वो फादर हैं, पिता समान हैं, और नारायण काका के जो शिष्य हैं वो पुत्र समान हैं, सभी एक साथ और विघटन नहीं होने से एक साथ अपने साथ प्रेम रखो। और हमारी ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है कि अगर कोई अपना बेटा, उसे समझना चाहिए तो जरूर समझाओ, आओ बेटा ऐसा नहीं है, ये बड़ा वासुदेव निवास ये बड़ा महान है, यहाँ से जो काम चलता आ रहा है ये बहुत बड़ा काम है। कल एक यानी यहाँ एक व्याख्यान हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अपना प्रसंग, यानी मेरे ढूंढीराज पाठक का यहाँ जो लेक्चर हुआ, उन्होंने ये एक बात बताई थी कि एक कोई महापुरुष था, वो करवे रोड से चल रहा था, तो उन्होंने स्वामी महाराज ऐसा दंड रख के वो वासुदेव निवास के सामने उन्होंने उनका दर्शन हुआ और वो आश्चर्यचकित हुए, स्वामी जी कैसे है, स्वामी जी कैसे, इसलिए एकदम झटकन अंदर गए और ऊपर चढ़कर गुरु महाराज के जो निवास था उधर चले गए, वही पीछे पीछे चले, और पीछे चलने के बाद गुरु महाराज जी वहां थे, अरे अभी मैंने स्वामी जी को देखा, गुरु महाराज जी को बताया, अरे यहां, हाँ यहां, तो गुरु महाराज ने बताया कि देखो भाई आप तो सच बताते हैं, क्यों यही आएंगे ना, क्योंकि आश्रम उनका ही है, वासुदेवानंद सरस्वती का ही है ना, तो वो कहा जाएंगे यही है, यानी लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज यही विराजमान है। नीचे का जो हमारा जो वासुदेव निवास का है वही दत्त संप्रदाय की उपासना चलती आ रही है, ऊपर हम साधन मंदिर में साधन करते रहेंगे, एक साथ सभी साधन करके स्वामी जी के ऊपर अपना श्रद्धा भाव और गुरु महाराज के ऊपर अपना श्रद्धा भाव बढ़ाते रहो, यही एक मेरी आपको सबको विज्ञप्ति है। समय होता रहा है, मैं 2 मिनट में मेरा जो मैंने बताया है आज का जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं विराम करूंगा, लेकिन पूर्व पश्चात एक मैं बात बताने देने वाला हूँ। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, 1918 से हमारे घराने पर गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज जब कुरुत्र में थे, चित्रकला उन्होंने अध्ययन किया और केसरी में उन्होंने एक चित्रकला शिक्षक की एक एडवर्टाइज उन्होंने देखी, उसके पश्चात बार्षी में म्युनिसिपल शाला क्रमांक 1 में चित्रकला अध्यापक की वो एडवर्टाइज थी, तो कुडुत्र से यानी कोल्हापुर से वो पधारे और बार्षी में आए, हमारे ही निकट वो रहते थे, मेरे परदादा यानी प्रहलाद शास्त्री उनके साथ उनका बहुत साहचर्य था और उनके साथ उनका बड़ा विचार विनिमय रहता था, ऐसा मेरे परदादा से हमारे घराने के ऊपर जो कृपा चलती आ रही है 1918 से 1926 तक गुरु महाराज का चित्रकला यानी अध्यापक की उन्होंने वहाँ जिम्मेदारी संभाली। उसके पश्चात वो पुणे में आए, आपने चरित्र में पढ़ा होगा, लेकिन बार्षी की याद जो है मेरे को बताने से बहुत मैं उत्कंठित हूँ। वो ऐसी है, ऐसा अर्थात वो मेरे पिताजी ने बताई है, महाराज जी जैसे योगी थे, जैसे ज्ञानी थे, वैसे वो सहज लीला विनोद भी करते थे, इतना विनोद करते थे कि सभी लोगों को ऐसा पता था कि इतना बड़ा महान महात्मा योगी इतना सहज विनोद करता है। एक बात ऐसी हुई, वो घटना है 1967 की, तो
हमारा बहुत बड़ा एक यानी उसे वाड़ा वाड़ा में क्या बनता त्याला मोटा वाड़ा है तो और हवेली बड़ी हवेली है। बड़ी हवेली में जो गुरु महाराज जी उनके साथ दत्त महाराज जी वेदमूर्ति जगन्नाथ पुजारी और केशवराव जोशी और बापू साहेब कुबड़े ये सभी आए थे। सभी आने के बाद हमारे मेरे मन में आ गया, हमारे सभी भाई ने बोला कि ये आज महाराज जी आए तो उनका एक फोटो निकालने का। स्वयं महाराज जी बड़े चित्रकार थे, बड़े फोटोग्राफर थे और वो फोटोग्राफर आ गया। अभी ये जो स्टैंड रखा है ना, तब वैसा हाथ में कैमरा नहीं लेते थे, ऐसा स्टैंड लगाने का उसके ऊपर काला एक पर्दा था और कैमरा के ऊपर हाथ रख के पर्दा अपने आंग पर लेने का ऐसा वो फोटोग्राफर का उसी का व्यवहार था। तो मेरी माँ उनके सभी एक 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 घास करके वो खा रही थी और मेरी माँ ने अपना क्या तुपार का मंटा थे घी घी का एक पात्र लाया और वो पात्र से गुरु महाराज के पात्र में घी डालने का। तो सामने तो फोटोग्राफर हैं और सामने गुरु महाराज जी बैठे हैं। गुरु महाराज जी बोले देखो फोटोग्राफर, उसका नाम अशोक था, देखो अशोक जल्दी से जल्दी फोटो निकालो वरना ये सुभद्रा मेरे पात्र में ऐसा सभी घी कर निकाल देगी कि वो सभी पदार्थ में घी जाएगा, जल्दी निकालो बोले। और फिर सभी हंसे, लेकिन उन्होंने एक और एक बात बताई, देखो मैं आपका जो फोटो है वो देखने वाला हूं। वो घबरा गया कि स्वयं महाराज जी बड़े फोटोग्राफर थे, देखो जब तुम घी जो मेरे पात्र में डालने वाले हैं वो घी मेरे को देखना चाहिए, इतना सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्मता उन्होंने बताई, यानी चित्रकारी थी कि ये उनकी बड़ी सहजता थी। और उसी गुरु महाराज जी ने अपने ही चित्र कला में विश्व का चित्रपट उन्होंने देखा और विश्व का संसार अपने पास रखा, ऐसे अपने गुरु महाराज जी हैं। और दूसरी एक बात जो है, स्वामी महाराज की भी बात है। स्वामी महाराज जी का चातुर्मास हमारे घर में हुआ, वो 1927 की जो 23 की बात है, मैं वहाँ उस वक्त नहीं था, हमारे परदादा थे। लेकिन गुरु महाराज जी को स्वामी महाराज ने, लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज ने बताया कि मेरे को जीवन मुक्ति विवेक होना चाहिए। तो जीवन मुक्ति विवेक का ग्रंथ उपलब्ध नहीं था, तो क्या करे, एक ही ग्रंथ था। तो गुरु महाराज ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से जीवन मुक्ति विवेक नाम का ग्रंथ जो लिखा, उसके जो पन्ने जो हैं वो 200 से आगे हैं, लेकिन सभी अपने हस्ताक्षर से लिखकर स्वामी जी के सामने रखा। स्वामी जी बोले अबे ये तो कब लिखा, बोले 122 पन्ने आपने कब लिखे, आपकी ही कृपा है। गुरु सेवा करनी है तो ऐसी करनी चाहिए, गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज का सभी के ऊपर भाव बंधुभाव इतना बहुत है, इतना बहुत है, एक घंटा आधा घंटा में उनकी यादें जो हैं वो कमी ही होती हैं। ऐसा हमारे ऊपर सभी साधक के ऊपर उनका बहुत बड़ा कृपा हो रहा है, आज भी है। और मैं गुरु महाराज जी को प्रार्थना करता हूँ कि आज यह जो सभी साधक यहाँ उपस्थित हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा रहे, आशीर्वाद रखे। आपके दो स्वामी हैं, गुरु महाराज जी को मैं हमेशा बताता हूँ, ऊपर जाता हूँ ना पहले उनके पांव पकड़ता हूँ। आपके दो स्वामी हैं ना, एक लोकनाथ तीर्थ स्वामी और वासुदेवानंद, आप बोलेंगे वो दोनों स्वामी के हमारे ऊपर कृपा करती जाए, इसलिए गुरु महाराज जी को बताने का दोनों स्वामी का हमें आशीर्वाद होना चाहिए। ये सारे शिष्य यानी ये जो सारे भक्त हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा हो, ऐसी मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। आणि जाता जाता एवढंच या ठिकाणी सांगतो की आपलंही साधन हे समृद्ध हो, आपला जीवन हे सुपुष्पित आणि सुफलित हो, एवढी या ठिकाणी मी प्रार्थना करतो आणि माझ्या वाणीला मी विराम देतो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।